हेलो गाइस, यूपीएससी ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रीलिम्स को पोस्टपोन कर दिया है, जो आपकी 2020 की होने वाली थी। इसकी नेक्स्ट डेट जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आने वाली है। गाइस, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद राज पुरोहित पर। तो दोस्तों, यूपीएससी ने अभी रिसेंटली ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया कि द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 31 मई स्टैंड डेफर्ड, और ये जो है वो अब पोस्टपोन हो चुकी है। तो इन्होंने पहले भी, अगर हम लोग देखें तो यूपीएससी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जो अगेन आपके मिनिस्टर ऑफ पर्सनल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने इस वीडियो में जो है वो बताया हुआ था कि उन्होंने जो है वो इसका डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। उसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जस्ट आना बाकी था। ये वीडियो गाइज मैंने आपके साथ में 27 अप्रैल को जैसे ही आया था वो आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो अब एग्जैक्टली नोटिफिकेशन में बोला क्या गया है, तो जो मई 4 का जो नोटिफिकेशन है उसमें यूपीएससी बोल रही है कि इन्होंने एक मीटिंग की और कोविड-19 के बीच में इन्होंने डिसाइड किया है कि जो एग्जाम है वो डेफर हो रही है। डेफर हो रही है इसका मतलब आप लोगों की जो है वो पोस्टपोन हो रही है एग्जाम। तो गाइज, इसका अगेन अब एग्जाम की डेट क्या होगी तो वो अभी आप लोगों का बता पाना मुश्किल है, बिकॉज इसके लिए एक रिव्यू मीटिंग जो है वो वापस से 20 मई को ली जाने वाली है, और 20 मई के बाद में वापस से डिसाइड किया जाएगा कि एग्जाम को कब कंडक्ट करवाया जाए। तो गाइज, नेक्स्ट डेट जो है वो अभी तक यूपीएससी ने कंफर्म नहीं की है। जल्दी ही वो अपनी डेट जो है वो कंफर्म करेगी, डिपेंडिंग कि कोविड-19 की सिचुएशन जो है कैसी है। गाइज, आप लोग जानते हैं कि जैसे भारत में अब 40,000 के ऊपर जो है वो कोविड-19 के पेशेंट जो है वो बढ़ चुके हैं। उसके अलावा इवन यूएस जैसे कंट्रीज में 70,000 के करीब जो है वो लोग मर चुके हैं, और 11 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो कोविड-19 से प्रभावित है। तो गाइज, एक्सट्रीम सिचुएशन अभी चल रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली यूपीएससी इसको पोस्टपोन करने ही वाली थी। इन्होंने बाकी भी बहुत सारे एग्जाम जो है वो ऑलरेडी पोस्टपोन किए हुए हैं, लेकिन आप लोग डरिए मत, क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी आप लोगों को एक दिलासा दिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट आप लोगों को 30 दिन का तो भी प्रायर नोटिस दिया जाएगा एग्जाम कंडक्ट करने के पहले। तो गाइज, आप लोग इसका प्लीज कोई टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट डेट भले ही अभी यूपीएससी ने नहीं बताई है, बट फिर भी ऐसी जो अगर हम लोग अनुमान लगाए तो एक जुलाई या फिर अगस्त के महीने में हम लोग मान सकते हैं कि यूपीएससी की प्रीलिम्स जो है वो हो सकती है। तो गाइज, एक चीज को याद रखिएगा, एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो है वो अपनी पढ़ाई जो है वो अभी भी जारी रखनी होगी। आप लोग पढ़ते रहिए, मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बताता हूं। स्ट्रेटेजी आपकी यही है कि सिंपली आप लोग जो है अभी भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कीजिए, और अगर आपको मेंस के कोई सब्जेक्ट उठाने ही है तो आप लोग प्लीज ऑप्शनल वगैरह मत कीजिएगा। आप लोग ऐसे सब्जेक्ट उठाइएगा जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए भी कॉमन हो, जैसे कि आपके हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, ताकि आप लोग इतने स्ट्रांगली इसके प्रीलिम्स के आपके GS1 के, GS2 के और GS3 के सब्जेक्ट्स कर लें कि आप लोगों को अगेन मेंस के दौरान आपको पढ़ना ना पड़े, और मेंस के दौरान में आप लोग सीधा का सीधा आपका ऑप्शनल और आपका GS4 का जो सब्जेक्ट बचता है और जो भी आपके बाकी के जो सब्जेक्ट्स बचते हैं वो आप लोग कवर कर सके। तो गाइज, आप लोग जो है ऐसे ही न्यूज के लिए मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।